आप ये भी बताएं कि आपका जो गठबंधन है वो क्यों बिहार की जनता को ठग रही, भरमा रही? साथ निश्चय पर बीजेपी ने अभी तक मोहर नहीं लगाया और ना ही सेकेंड साथ निश्चय के जब नीतीश जी उद्घाटन कर रहे थे तो कोई बीजेपी के मालूम थे। तो क्या ये जो तहखाना में बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, बीजेपी कंप्लीट रूप से ये चर्चा है कि नीतीश जी को खत्म करने की साजिश रच रही है? तो बीजेपी बताएं कि आपका चुनाव के पहले का लीडर नीतीश जी हैं तो चुनाव के बाद का लीडर कौन है? चिराग पासवान जी या इस बिहार का विपक्ष का नेता या कोई और? हम तो कहा स्वागत करेंगे चिराग पासवान जी को जब सांप्रदायिकता और जातीयता से दोनों से अलग हटकर, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं, यदि आज भी सांप्रदायिकता से और जातीयता से अलग हट करके सच्ची श्रद्धांजलि रामविलास जी की होगी तो चुनाव बाद बिहार बचाने के लिए हम चिराग जी का सहयोग लेंगे भी, जरूरत होगा तो देंगे, लेकिन वहां सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं हो। पूरी पीडीए पारिवारिक संकट के समय चिराग जी के साथ खड़ी, व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक तौर पर हम उनके साथ खड़े, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चिराग जी आप बिहार को जातीयता से और सांप्रदायिकता से निकालने में रामविलास पासवान जी की जो सच्ची सोच थी उसमें आप आगे हैं। चौथी और तीसरी और अंतिम, नीतीश जी और विपक्ष के नेता से दो दिनों में पूर्णिया का क्लीन चिट कैसे में, ये बात सही है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्णिया के मर्डर में विपक्ष के नेताओं की भूमिका नहीं हो सकती और इसमें मैं डंके के छुटके के, लेकिन दो दिनों में एक दिनों में क्लीन चिट, इतना त्वरित पुलिस, तो फिर बक्सर के बलात्कार केस के बारे में क्या कहें? हथरस के बलात्कार घटना के बाद जोगी को तो पता ही नहीं है कि बेटी का बलात्कार भी हुआ, वो साफ कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं, इतना बड़ा झूठ आश्चर्य। और जो बक्सर की घटना घटी, राजकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई डॉक्टर अखलाक कमर जी के नेतृत्व, वो उसके घर पर जाएंगे, एसडीपीआई के हमारे नेता तस्लीम साहब, आजाद पार्टी के कुश साहब, और इस घटना की पूरी जानकारी के लेकर फिर हम लोग आंदोलन का काज करेंगे। बक्सर की घटना माफ करने योग्य नहीं, गांव के दबंगों ने बलात्कार कर बच्ची और मां को मार देना, पूरी लड़ाई होगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो जब बलात्कारियों की बीवी को टिकट मिलेगा तो फिर बच्ची महफूज कहां से? बस आज इतना ही, आपने देख ली मेरी सोची, मेरा सवाल 14 तारीख को हमारे घटक के सभी नेता आ रहे हैं और पूरी सूची पीडीए की
ये जारी होगी। 15 तारीख से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का कैंपेन फर्स्ट फेज का शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो एक आध दो चीज पूछिए। कुमार का नाम लिस्ट में नहीं है, खबर ही है कि कुमार से आप खुद खड़े हो रहे हैं। सर खबर होने दीजिए। पटना के चारों सीट पर पटना की जनता चाहती है ऐसे नहीं। हमारे जहां बाबा साहब अंबेडकर, गांधी, लोहिया जी के घर पर आते थे वो हमारा नेतृत्व बेमान नहीं। इंजीनियर भी हैं और हमारे ऐसे लोग पीछे जो 17 कई देशों का प्रतिनिधित्व हमारे देश का कई देशों में किए। बसपा से लड़े थे और यहाँ 1 टका ले लो, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो। अब ये कहां से चंदा पूरी जी और इंजीनियर साहब करोड़ों करोड़ देंगे। ये जो बिहार को जानवर की तरह बेचने का खेल जारी है यह जनता देख रही है और इसका जवाब मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया है। पीडीएम कोई नहीं छोड़ा, वो सारी चीज है। आंतरिक देखिए बापू जी, आपकी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, इतना उत्साहित है। जनता को तय करने दीजिए। महापापों से भरा हुआ है ये गठबंधन और सभी पार्टी दुकान खोल करके बैठी हुई है और आपके सामने कैंडिडेट की सूची मेरे पास है। महिलाओं को देख लीजिए, हम 30 क्रॉस कर गए और आप महिलाएं भी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगी। सारे डॉक्टर प्रोफेसर और आगे भी जो आपको लिस्ट मिलेगी उसमें इस बिहार के क्रीम ही मिलेंगे, इन पॉलिटिशियन के तरह नहीं मिलेंगे। तय करेगी तो हम उस पर सोचेंगे। पप्पू जी पीडीए तय करेगी तो सोचे। पप्पू यादव ने तो बाढ़ में बहुत अच्छा काम किया बिहार में, पटना में खासतौर पर। पप्पू यादव क्यों नहीं लड़ रहे? सर मैंने पहले कहा कि पप्पू यादव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं ये एक तो जनता भगवान होती है, जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जिस घटक दल ने हम पर भरोसा किया है उस प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का ही निर्णय होगा कि पप्पू यादव लड़ेंगे या नहीं। वो 14 तारीख को आपको ये लोग जी आप क्या पूछ रहे थे? कि आज आप सवाल उठा रहे हैं कि सारा बल जो है अपराधियों को टिकट दिया, जब आप शुरुआती दौर में चुनाव लड़ते थे तो इसी तरह आपको लोग उठा रहे थे। सर मैं तो वही बात आपसे कहा कि जोगी जी को जरा सा देख लीजिए ना, कितने बड़े हिस्से सीट है मर्डर के स्टेशन और तरी पार के बारे में भी जान लीजिए। वो तो नहीं है ना हम पर, नहीं तो राजनीति में तो इस अपराधी का कोई सवाल ही नहीं उठना। सर तो आप ही तो कहते हैं आपके नीतीश कुमार इस सवाल ही नहीं उठता और आप ही कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को नहीं और रघुवंश बाबू का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं ना, जिसको 15-30 सालों से जिन चोरों को बिहार बेमानों को आप ही पत्रकार लोग स्थापित किए हुए। आप उनसे पूछिए उनका क्या हस्त है। मुस्लिम लीग आपको छोड़ के क्यों चली गई? कोई नहीं कही गई है, सब इंटरनल बात है, चिंता नहीं करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।